أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تسوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان هي مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان هي مرحبا खिल उठे मुर जाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है हम गुनाहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है या खुदा तूने अता फिर कर दिया रमजान है हर घड़ी रहमत भरी है हर तरफ़ हैं रहमतें माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा या इलाही तू मदीने में कभी रमाजा दिखा मुद्दतों से दिल में ये अ के अरमान है मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है वासीता रमजान का या रब हमें तो बख्श दे वास्ता रमजान का या रब हमें तो बख्श दे नेकियों का अपने पल्ले कुछ नहीं सामान है मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है After Alhamdulillah Sana, peace and blessing upon the beloved Prophet Muhammad, وسلم, the best of creation. And may Allah subhanahu wa shower his countless mercies and blessings upon his household and companions and upon all of us. My dear brothers and sisters in Islam, Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, the blessed month of Ramadan has arrived, and today we are observing our first fast. May Allah subhanahu wa accept it. एनमिलास त्रांटस्ट एबिलिटी टू कीप फायर मंथ ऑफ राम अल्लाह ताल से दुआ है अल्लाह तबारक व ताली हम सबको इस रमजान मुबारक की बरकतों और रहामतों वाले महीने में रोज़े रखने की तोफ़ी का ता फरमाए कुरान पाक पढ़ने की तोफ़ी का ताफ़रमाए और नमाज तरावी अदा करने की तोहफ़ी का ताफ़रमाए आज के इस अवतार प्रोग्राम में जो आयात करीमा मैंने तिलावत की इन श उनका तर्जमा और उनके उनका मफहूम हमात फ़रमाएंगे सुबह सुरान याज़ीनाबाई कमस्म कमुतिकोज हो बिलीव फास्टिंग प्रस्क्राइब फॉर यू एज़ इट वॉज़ प्रस्क्राइब फ़ार दोज़ बिफोर यू सो यू मे गा एंड फाइट ही ए ईमान वालों रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे क्यों फ़र्ज़ किए गए लाक ला तत्ता ताकि तुम परहेजगार बन जाओ अल्लाह से डरने वाले बन जाओ ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ अयाम मदूदात फास्टिंग अ सर्टन नंबर ऑफ डेज। ये रोज़े तो चंद दिनों के मेहमान हैं चंद दिनों की गिनती है फमन का नमीन मिन अय्यामिन उख़र सो इज़ सिक और ऑन अ जर्नी दैन एन एक नंबर ऑफ़ द अदर डेज शुड बी मेड अप वजी फ़िदिया तुम तो मस्किन एंड फॉर दोज हो कैन अफोर्ड इट देर इज़ अ फ़िदिया टू मस्किन टू फीड द नीडी पीपल अपॉन एवरी सिंगल ऑफ फास्टिंग जो शख्स मरीज़ हो या वह सफ़र पर हो तो वो ये गिनती और दिनों में पूरी कर ले ये मसला अल्लाह तबरक बंदों को समझा रहा है कि तुम पर कोई तकलीफ़ नहीं है अगर तुम में से कोई मरीज़ हो या वो सफ़र पर हो और उसको मुशक्क़त हो तो वो ये रोज़ों की गिनती बाद में साल में जब भी मौका मिले उस वक़्त पूरी कर ले और ऐसा शख्स कि जो फानी हो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुका हो अब वो रोज़ा नहीं रख सकता या इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो दायमी बीमार हैं और वो रोज़ा नहीं रख सकते तो उनके लिए ये है कि वो एक फिदिया एक फदिया के बराबर हर रोजे का एक फ़दिया मिस मसाकिन को दे दें कितना है एक फदिया तकरीबन चार से पाँच पाउंड एक मस्किन को पैसे दे दें रकम दे दें या उनको खाना खिला दें या कोई और चीज़ मैसर कर दें फमन ततवा ख़ैरन फ़ाह व ख़ैरुल्ला और जो कोई ज़्यादीती करे फदिया से ज़्यादा दे और ज़्यादा नफली सदका करे तो ये उसके लिए बेहतर है

कि काश सारा साल ही रमज़ान होता इस दुनिया में भी ख़्वाहिश करेगा कि काश सारा साल ही रमज़ान हो अगर उसको ये पता चल जाए कि कितना अल्लाह तबारक वाली इसका इनाम अता फरमा रहा है एंड दिस इज़ दंथ शाहरु रमादानलजी उनफी कुरआन हदास वजीनाति मिनल हुदा वलफुर दिस इज़ दंथ ऑफ रमादान द रवलीशन ऑफ़ क़ुरआन द क़ुरान रिवील्ड इन दिस मंथ

And also re recite Quran in abundance in this month, and Allah Wa says again, "Faman shahidamin Whoever observes this month, he should observe fast in this month. And whoever is again Allah Subhanahu revising, if anybody is sick or he is or he is on traveling, so there is a concession and rukhsat for him. If he can't observe the fast, he can fulfill these days. इन द इंटायरियर वैन एवर ही वॉन्ट कि कोई मरीज़ है या मुसाफिर है वो किसी वजह से रोज़ा ना रख सके तो वो ये गिनती और दिनों में पूरी कर ले क्योंकि पिछले ज़मानों में सफ़र बहुत मुश्किल होता था और आज के ज़माने में सफ़र बड़ा आसान है आप एक फ्लाइट में बैठते हैं चंद घंटों के बाद दूसरे मुल्क में पहुँच जाते हैं जबकि पिछले दौर में महीनों का सफ़र हुआ करता था इसीलिए अल्लाह ताली ने फरमाया वन तसूम खैरकुम फिर भी अगर तुम रोज़ा रख लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इसको जानो तो अल्लाह ताला ने ते हमें आसानी दी है इर्षात फरमाया बिकुमुल बिकुमसर वला यु बिकुमुल बिकमुसर अल्लाह व तआला वांट्स टू टू मेक यू ईजी इट ईजी फॉर यू एंड डोंट वांट टू मेक इट हार्ड फॉर यू अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और तुम्हारे साथ कोई हार्डशिप या डिफ़िकल्टी नहीं चाहता तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता लिहाजा मरीज़ के लिए और सफ़र करने वाले के लिए ये इख्तियार है कि अगर वो रोज़ा रख सके तो वो रोज़ा रख ले और अगर नहीं रख सके तो ये गिनती और दिनों में पूरी कर ले मगर ऐसा शख्स कि जो बहुत बूढ़ा हो गया हो ओवर सेवेंटी है या ऐसे मरीज़ मर्ज़ में मुबतला है कि अब उससे शिफा नहीं है और उस मर्ज़ की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता तो उसको चाहिए कि वो हर रोज़े के बदले में एक फ़दिया दे दे एक फ़दिया जो पाँच पौंड या चार पौंड हर मुल्क के लिहाज से अपने लिहाज से जो भी बनता है वो ये फ़दिया किसी मस्किन को खाना खिला दे उसको दे दे हर रोज़े के बदले में तो ये उसके रोज़ों का फ़दिया अदा हो जाएगा वली तुकमिल वली तो कब भी रुल ताकि तुम ये गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि तूने उसने تم کو تم My dear brothers and sisters in Islam alhamdulillah This is the month of Ramadan which is a blessing and a source of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and in this month the first 10 days are the, uh, are the days of mercy and the second 10 days second عشرة are the عشرة of forgiveness एंड द थर्ड टेन डेज़ और द सोर्स ऑफ फ्रीडम फ्राम द हेल फायर इसका पहला अशरा रहमत वाला है दूसरा अशरा मगफ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है गोया अल्लाह तबारक व ताली अपने बंदों को बख्शना चाहता है और ये रमज़ान हमें बख्शिश के बहाने के तौर पर अता फरमाया है अल्लाजिन कुरान वन्नाती वल मग़फ़िर अल्लाह सुबह खोल चन्ना एंड फॉर गिवनस वल्ला दार्लाम अल्लान वो यू टू वॉस दाउस ऑफ फीस द चन्ना अल्लाह तबारक वात तुम्हें सलामती वाले घर जन्नत की तरफ बुलाता है ये वो महीना है जिसमें नफल का स्वब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का स्वब सत्तर फ़र्जों के बराबर कर दिया जाता है और अल्लाह ताली जिसके लिए चाहता है इससे भी ज़्यादा अता फरमा देता है हम बड़े खुशकस्मत हैं

इब्ने आदम का आदम के बेटों का हर अमल उसके लिए है मगर रोज़ा सिवाय रोज़े के फ़इन्ना फनाली व आना उजी भी फनाली व आना उज अजी भी रोज़ा मेरे लिए है दास्टिंग इज स्पेशली फॉर मी एंड आई विल स्पेशली रिवॉर्ड हिम फॉर इट रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजरता फरमाऊँगा अगरचे हर नेक अमल का जजा अल्लाह ताला ही की तरफ से है लेकिन यह स्पेशल प्रोटोकॉल और स्पेशल रिवॉर्ड होगा रोज़ादारों के लिए एंड रसूल सईस व्या जन्नत एंड द फास्टिंग इज अ शील्ड रोजा एक ढाल है इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सिंस एंड द यूजलेस थिंग्स ये तुम्हें गुनाह गुनाहों से बुरे कलाम से बुरी बातों से रोकता है फास्टिंग ही शुडंट ऑर्ग्यू ही शुडंट फाइट एनी वन एंड सम मोडिट्राइज टू टू मेक ऑर्ग्यू विद हेम ही शुड से इन्नी सामोन अगर कोई शख्स रोज़ा रखे हुए हैं उसको चाहिए कि वो किसी के साथ झगड़ा ना करे और अगर कोई उससे झगड़ा करे तो उसको चाहिए वो ये कहे इन्नी सा ईमोन आई एम फास्टिंग मैं आज रोज़े से हूँ मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूँगा और रसूल अल्लाह सल्हम ने इर्शाद फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है कि रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह तबारक को मिसक से भी ज्यादा महबूब है एंड दैन रसूल सल्लाट सारी फ़रहतान या फ्राहमसन इज अब्जरविंग फास्ट फॉर हिम देर देर आर टू जॉयस वो लोग जो रोज़ा रखते हैं वो शख्स के जो रोजा रखता है उसके लिए दो खुशियाँ हैं ईजा अफतार फरी हबी फ़री वेन ही ब्रेक हिज फास्ट इन द टाइम ऑफ अवतार अल्लाह सुबहठ पीस एंड हैप्पीनेस जब वो रोजा अफतार करता है तो उसको खुशी हासिल होती है और दूसरी खुशी व ईजा लकी फरी हबी सोमी ही ऑन द डे ऑफ जजमेंट वेन ही विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ दिस फास्टिंग ही विल फील रियली हैप्पी दैट विल बी द जॉय जब कयामत के दिन वो अपने रोज़ों का बदला पाएगा अजर पाएगा तो उस वक़्त उसको बेहद खुशी होगी ये दूसरी खुशी है लाईमी फरहतान इज़ फास्टिंग फॉर हिम देर आर टू जो अल्लाह एंड सिमिलरली अदर हदीस रसूल सल तसम से जन्नति बाबन युकैान युकाल देर इज़ अ स्पेशल गेट इन जन्ना एंड द नेम ऑफ़ दैट डोर दैट दैट गेट इज़ अर्रैान एक स्पेशल दरवाज़ा है जन्नत का जन्नत के आठ दरवाजे हैं और उनमें से एक दरवाजे का नाम है बाबर रिन्ान यद खुलू मिनहु सॉमोना यूमलक़ियामा ओनली दीपल ऑफ फास्टिंग विल इंटर थ्रू दैट जन्ना थ्रू दैट डोर वही लोग उसमें दाखिल होंगे उस दर, उस दरवाजे के जरिए सिर्फ वही शख्स جنت میں داخل ہوگا کہ جو روزہ رکھنے والا ہوگا لا يدخل منه احد غيرهم nobody else can enter through that door يقال اين الصائمون it will be announced on the day of judgment where are the people of fasting فيقومون لا فيقومون and they will stand لا يدخل منه احد غيرهم they will enter and nobody can enter except then and when the last person will enter

ऑल हिज प्रीवियस विल बिफोर गिवन ऐसा शख्स के जो ईमान के साथ और अकाउंटबिलिटी के साथ हिसाबों किताब के साथ अपने आप को गुनाहों से बचाते हुए रोजा रखे रमजान का उसके पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा उसके पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा शेख तरीकत अमीर आल सुन्नत फरमाते हैं वासीता रमजान का या रब हमें तू बख्श दे ओ अल्लाह फॉर गिव मी फॉर द सेक ऑफ रमादान वास रमजान का या रब हमें तू बख्श दे नेकियों का अपने पल कुछ नहीं सामान है नेकियों का अपने पल्ले कुछ नहीं सामान है मेरा अल्लाह सुबहाना हुआ था आला एबिलिटी टू कीप ऑन फास्टिंग द इंटायर इन द मंथ And may Allah subhanahu wa grant us ability to read Tarawi at night time. Now the masjids are closed, are closed because of coronavirus. You can make your house the masjid, the house of Allah. Every single house, in every single house, you should read Taravi. You, you can lead Jamaat at home. The the people who are the household who are the who are the the main person, the fathers and the grandfathers.

हम रब ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताली हमारे गुनाहों को मुआ फरमाए और इस रमज़ान के सदक़े में हम सब की बख्शिशो मगफ़रत फरमाए अलहमदिल्ल रबालमीन वसलासलम आल सदमा सलिन अल्ला सैदी मौलाना महमद वली सैदी व ममाना महमदिन मुबारक वसलम या अल्लाह या रहीम या रहीम हमारे आज के पहले रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा हमारी हमारे वालदे की सारी उम्मत की बख्शिशो मवफिलत फरमा एक्सेप्ट आवर फर्स्ट फास्टिंग एंड या फॉर गिव ऑल आवर माइनर एंड मेजर सेंस या, ला। या ला, हम सब पे अपना करम और फ़जल फरमा जो हमसे पहले गुजर चुके उनकी बख्शिश फरमा बिलखसूस मौजूदा हालात में या मौजूदा सूरत हाल में जितने भी मुसलमान करोना वायरस की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से या बौत हो गए उन सब की बख्शिश फरमा रमज़ान का सदका हमारी हमारे वालदे की बख्शिश फरमा हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा या अल्लाह तो करीम है हम पे करम फरमा इस रहमत वाले अशरे का सदका या अल्लाह पूरी दुनिया पे अपनी रहमतों का नजूल फरमा इस कोरोना वायरस से हमारी जान छुड़ा या अल्लाह हम सब पे अपना करम और फजल फरमा अपने गुनाहों से हम तोबा करते हैं रमज़ान का सदका अल्लाह कुरान का सदका तो हमारे साथ अपने फ़जल वाला मामला फरमा जो परेशान हाल है परेशानियां दूर फरमा जो कर्ज़दार हैं कर्ज़ों से खुलासिया ता फरमा हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत की तोहफी काता फरमा कुरान पाक की तिलावत की तोहफ़ी का ताफ़रमा दिन में रोज़ा रखने और रात में तरावी अदा करने की तोहफ़ी का ताफ़रमा या अ हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा हमारी दुनिया भी आखिर बेहतर फरमा हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा और हमें जहन्म के अज़ाब से बचा और हमें अपनी जन्नत में दाखिल फ़रमा अल्दिलजन्नत मबरौ या अज़ीज़ वफ़्फ़्फ़्फ़्ार या, या रब्बल आलमीन रबा नया तकब्बल मन्नाकानत समी उलिम व तुब आलिन कांत तव्वाबरहीम व तिल खलकी महमदी मालि व असहबी अजमैन रहामिन वल्थम फॉरेस्ट इस्लामिक एसोसिएशन में रमजान शरीफ़ के पहले रोज़े के अफतार का वक्त हो चुका है आप अपना रोज़ा अफतार कर लें और बकिया अफराद अपने अपने लोकल मसाजिद और अपने लोकल अलाका के टाइम को फॉलो करते हुए रोज़ा अवतार कर लें अल्लाह तबारक व ताली हम सब के रोज़े को कबूल फ़रमाए और हमें इस रमज़ान में ढेरों बरकत नसीब फ़रमाए नबीजिल बिजाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम